हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे प्रिंसिपल की जो कि आपको SIP करने के लिए ज़रूरी है, और अगर आप SIP करते हैं तो उसी से ही आप बेनिफिट कमा सकते हैं। वो क्या 7 रूल है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सिखा रहा हूँ। दोस्तों, आप अपने इन्वेस्टमेंट में इन टिप्स को या इन 7 रीजंस को अप्लाई कीजिए। आप वेल रिटर्न कमाएंगे और आपके साथ साथ आपके परिवार भी खुशी रहे, मस्त रहे, इसी आशा के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूँ। एक विनम्र निवेदन है आपसे कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जब हम किसी वीडियो को देखने के उद्देश्य से आते हैं तो वो पूरा हो जाना चाहिए, चाहे उसमें छोटे से जानकारी हमें बेनिफिट करे, बट इट विल बी गुड फॉर अस। सो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आपको अच्छा लगे तो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों यार मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा एक बार। तो जो क्या रीजन है 7, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन है ब्रिंग इन डिसिप्लिन। सबसे पहले, इन्वेस्ट ऑन प्री सेट डेट एवरी मंथ। जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो इन्वेस्ट की जो डेट होगी वो फिक्स होनी चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड में हम डेट डिसाइड कर लेते कि हमारा इन्वेस्टमेंट 7 तारीख को करना चाहिए, वो फिक्स डेट को वो मनी हमारे अकाउंट से इन्वेस्ट हो जानी चाहिए, और ये ग्रेजुअली बेसिस पे होना चाहिए। और इस इन्वेस्टमेंट को आपको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो करना है, आपको इसको अनडिसिप्लिन नहीं करना है दोस्तों। सेकंड इज रूपी कॉस्ट एवरेज। यू गेट द मोर यूनिट्स व्हेन यू मार्केट गो डाउन एंड लेस व्हेन गो अप, तो दस यू एवरेज आउट द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग म्यूचुअल फंड। सो दोस्तों, ये एक एवरेजिंग का फंडा होता है कि जब आपने किसी फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ में आपने कोई यूनिट खरीदी, उसकी कॉस्ट हो सकता है ज़्यादा हुई होगी, इस मंथ में आपको कॉस्ट कम मिले, तो हो सकता है आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी आपको 1 यूनिट मिली होगी, इस साल इस महीने आपने 50 रुपये में खरीदी आपको 2 यूनिट मिलेगी, टोटल आपके पास 3 यूनिट हो गई और आपने इन्वेस्टमेंट किया 200 रुपया, तो उसका जो एवरेज होगा वो अराउंड 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ के समथिंग हो जाएगा दोस्तों, तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा होगा। थर्ड है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। द लॉन्ग एवरेज यू स्टे इन्वेस्टेड। अगर आप ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको बेनिफिट होता है कंपाउंडिंग का। हाँ, इट्स लाइक अर्निंग इंटरेस्ट। जैसे कि आप हमें कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह की SIP में भी हम जितना जल्दी अर्ली स्टेज पर इन्वेस्ट करते हैं, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो फंडा होता है वो हमारे इस इंटरेस्ट की तरह ही इसमें भी होता है। इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, पर SIP में यूनिट्स का कंपाउंडिंग होता है, उस पर इन्वेस्टमेंट और बेनिफिट मिलते हैं दोस्तों हमको। चौथा है कन्वेंसिंग। SIP ऑफर्स कन्वेंसिंग सिंस यू इन्वेस्ट अ स्मॉल अमाउंट इन एवरी पीरियड विदाउट अफेक्टिंग योर हाउस होल्ड बजट। जो SIP होती है दोस्तों वो 500 रुपीज़ से स्टार्ट होती है, और आप लमसम अगर आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो आप 2 लाख रुपये तक पर डे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप मिनिमम से मिनिमम 500 रुपीज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपने बजट हाउस होल्ड बजट को विदाउट अफेक्ट किया, तो ये बहुत अच्छा है। फिफ्थ है मार्केट टाइम। सबसे पहली बात है कि आप कभी भी अपने इन्वेस्टमेंट पर मार्केट को वॉच ना करें। आप अगर आप इन्वेस्टमेंट थ्रू SIP यू अवॉइड टाइमिंग ऑफ मार्केट। आप में इतनी एक्सपर्टनेस है या नहीं मुझे नहीं पता, बट अगर आप में है तो आप कर पाएंगे, और नहीं है तो आप मार्केट को टाइमिंग मत करें कि कब मार्केट ऊपर उठेगा और कब डाउन होगा, और जब डाउन होगा तब मैं खरीदूंगा। इसमें हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट रह जाए और आपको ज़्यादा में NAV में आपको माल मिले, ठीक है। और सिक्स्थ है अचीव फाइनेंशियल गोल। SIP इज अ स्मार्ट टूल दैट्स हेल्प ब्रिंगिंग आउट द बिग गोल्स। स्मॉल अमाउंट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट जब बड़ा होगा और आपके रेगुलर बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टारगेट और अचीव इन्वेस्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है अचीव हो जाएगा। 7 बेस्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी। सिलेक्ट अ इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन कन्विंसिंग नीड। आप इन्वेस्टमेंट में जो फ्रीक्वेंसी है आप वो बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई इंक्रीमेंट हुआ है इस ईयर या होने वाला है और उससे आपकी आमदनी बढ़ती है, किसी प्रकार की आमदनी बढ़ने पर आप अपने इन्वेस्टमेंट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसका फायदा हो गया कि स्टार्ट SIP टूडे टू जनरेट वेल्थ लॉन्ग रन। आज ही से आप SIP शुरू करें और लॉन्ग रन में आपको उसका बहुत ही फायदा मिलेगा। तो ये थे 7 रूल्स दोस्तों। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए SIP, आपकी वेल्थ बने, मुझे खुशी होगी, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। अगर अच्छी वीडियो लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।